हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिस्टर आई एक्सप्लोर। तो आज भाई अपन ने इस जिम वाले मशीन का रिव्यू वीडियो बनाएंगे। ये देखो, नीट एंड क्लीन है। तो भाई ये मशीन, इसके केबल वक्त के साथ थोड़े से डिले होते हैं, बट इसके जो एक्सटेंशंस हैं उसको आप एडजस्ट करके इसको टाइट रख सकते हो। ये जो केबल है इसको आखिरी समय तक टाइट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बिल्ड और फिनिश क्वालिटी की। तो बिल्ड एक नंबर है, ऑलमोस्ट 2-2.5 महीना हो गया इसको यूज़ करते हुए, बीच में नहीं भी कर रहे थे, बट बिल्ड एक नंबर है। जो चौरस वाली पाइप आती है उससे तो ये वाली लाख गुनी अच्छी है, दिखने में भी अच्छी लगती है। कोई आता है तो वो भी बोलता है कि हाँ कुछ है ढंग का। तो इसमें आपको मैं बता दूँ, आपका पूरा अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी भी हो जाएगी। लोअर में ज़्यादा तो नहीं हो सकता, बट अपर में तो ऑलमोस्ट सब कवर हो जाएगा डेली वर्कआउट के हिसाब से। जो लोग जिम नहीं जा सकते, जिम नहीं कर सकते, उन लोग के लिए। बात करें इसके इन गराड़ियों की, तो ये गराड़ियाँ भी काफ़ी अच्छी हैं, मतलब हैवी ड्यूटी हैं। हम लोग ने पूरा वेट एकदम लास्ट तक रख के भी करके देख लिए हैं, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब अभी तक तो सही चल रही है। एंड बात करें इसके मेंटेनेंस की, तो इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा लिक्विड या ऐसा कुछ यूज़ नहीं करना है, मतलब रफ़ यूज है, इसे ड्राई यूज ही आप कर सकते हो। सीटिंग कम्फर्टेबल है, और एक एक्सटेंशन ये है अपने पास में, ये आपको बाइसेप मारने के लिए काम आएगा। अभी देखता हूँ, मेरा दोस्त है उसको बैठाता हूँ और आपको बताता हूँ इस पर आप क्या क्या कर सकते हो। जहाँ तक है बात केबलों की, तो केबल की लाइफ अच्छी है। ये देख रहे हो जॉइंट्स इसके, तो अच्छे हैवी ड्यूटी केबल्स हैं। जो भी नट बोल्ट हैं, बस एक चीज़ का इशू है, जो इसके प्लास्टिक की क्वालिटी से जहाँ जहाँ पर प्लास्टिक यूज हुआ है वो थोड़ी सी डाउन लगती है। जैसे कि ये टूट गया मेरे से, ये मैं टाइट कर रहा था तो ऐसा भी नहीं कि रेसिस्ट किया इसने, डायरेक्ट टूट गया, बट इसका कुछ इतना इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो भाई ये तो उसके इसके रिव्यू के बारे में, चलो अब आपको बता देते हैं कि इसमें क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। चलो जैसे शुरुआत करते हैं, इस पर आप अपना चेस्ट मार सकते हो, ठीक है। यहाँ पे चेस्ट लगा सकते हो, यहाँ से वेट सेट करना है, और यहाँ पे कुछ भी सेटिंग नहीं करनी है आपको। ये यहाँ पे लॉक ही रहेगा, ये लॉक रहेगा तो इससे क्या रहे? बाकी भाई डिटेल में जिम करना का वीडियो आपको तो नेट पर मिल जाएगा, लंबा लंबा बता देता हूँ। इस पर आपका चेस्ट का हो जाएगा 3 स्टेप में, ठीक है। यहाँ पे आप ग्रैब कर सकते हो, यहाँ पे ग्रैब कर सकते हो, यहाँ पे ग्रैब कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर हाइट। और आप ये भी एडजस्ट कर सकते हो, बैठ के दिखाएगा क्या? तू बोलेगा, मैं नहीं बोलूंगा। हाँ मैं ही बोलेगा, तू बैठना। और भाई ये वाली मशीन के लिए माफ करना, ये तो बिता नहीं इसका कब दिन आएगा। इस पर खाली कपड़े ही सूख रहे हैं। चल एक काम कर, पहला चेस्ट मार के दिखा। वजन कम कर दूँ? कम कर यार। चल ठीक है यार, इतना वजन, ये हो गया चेस्ट के लिए। फिर और क्या करता है इसमें? ये हो गया अपना शोल्डर के लिए। भाई उसको निकाल पहले, ये शोल्डर जिसमें आप फ्रंट से ही मार सकते हो, इसने गलत पकड़ा हुआ है। गलत है? हाँ। अच्छा। और इसी पे आप उल्टा बैठोगे तो आपका बैक भी हो जाएगा। ऐसा है क्या? हाँ। और इसको पीछे लोगे तो बैक हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद में उठ, एक और है इसमें। और जब आप खड़े हो जाओगे तो आप इसके यहीं पे ट्राइसेप भी मार सकते हो, ये वाला। इसके साथ एक एक्सटेंशन दिया हुआ है, ये यहाँ पे लगा के आप ट्राइसेप भी मार सकते हो। और क्या दिखा रहा था? ये देखो, ये अपना डंबल प्रेस जो होता है वो भी आप इससे कर सकते हो। फिर क्या कर सकते हो और एक्स्ट्रा? बाइसेप मार सकते हैं। कौन सा? खड़ा होके बताना, उधर खड़ा होके। वो बैठ के भी कर सकते हैं, मतलब ये ट्राइसेप वाला हो जाएगा आपका। चेस्ट एंड शोल्डर भी कर सकते हो इससे खींच के। इसको आता नहीं, इसके लिए माफ करना। यहाँ पे भी आप ये देखो, यहाँ पे एक लॉक दिया हुआ है, इस लॉक पे लगा के आप बैठ के बैक मार सकते हो, और स्टैंड अप बाइसेप हो जाएगा। और उसके बाद में लेग वाला है, लेग का बताना एक बार तो बैठ। और बाइसेप के लिए आप ये वाला एक्सटेंशन यूज कर सकते हो, एक्सटेंशन यहाँ पे लगेगा तो आपका मतलब बाइसेप हो जाएगा। पैर वाला रे, बैठ बता दो। पैर में खाली आप लेग स्ट्रेचिंग कर सकते हो भाई, मेरे हिसाब से तो। और दूसरा किसी को कुछ आइडिया है तो बताओ, ये वाला। और सेम अगर इसमें आप आगे नोटिस करते रहोगे तो वहाँ पे वो रॉड लगा के बाइसेप हो जाता है। नहीं वो चलेगा, चलेगा। जिसको सपोर्ट चाहिए वो ये लगा सकता है, नहीं तो ऐसे हो सकता है। भाई मशीन स्मूथ है, कहीं पे रफ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको खींचने पे जर्क महसूस हो तो इससे और ज़्यादा हैवी लोड लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं तो 6 बजे उठता था, अब तो 7 बजे भी आलसी पड़ा रहे तो। भाई ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट, उसके बाद सही हो जाता है। इसके लिए बहुत सारे प्रेस वगैरह लेके आना है, मतलब रॉड और वो सब कंप्लीट करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना।